तो दोस्तों आप सभी को गुड मॉर्निंग। दोस्तों आप लोगों को हमने बताया था कि हम वैष्णो देवी जाने वाले। वैष्णो देवी से पहले हमने आज सुबह से उठ के नहा धो के फिर पार्क में घूमने टहलने आए थे, तो हम लोगों ने खा चुके और साथ में मेरे दोस्तों आपको मिला देता हूँ। कौन आया हमारे साथ? अपने भैया से मिलाते हैं आपको। भैया आप बताओ वैष्णो देवी का क्या प्लान है, कैसे कैसे जाएंगे बताइए इनको। जैसे कि कल मेरे भाई ने बताया था आपको कि हम लोग आज वैष्णो देवी जाने वाले हैं और वैष्णो देवी का एक ब्लॉग बनाने वाले हैं हम लोग, और आप लोग भी हमारे साथ जुड़ोगे। जैसे कि आज शाम की 5 बजे की ट्रेन है, अभी हम लोग रिलैक्स होके थोड़ा घूम रहे हैं, तब तक आप भी अपना व्यूज देखो। हमारे मेरे भाई बताएंगे कि हम लोग क्या क्या करने वाले हैं, कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, और आप लोग हमारे साथ कैसे जुड़े रहोगे हम, और आपको क्या देखने को मिलेगा और क्या सीखने को भी मिलेगा आपको। तो चलिए मेरे भाई बता रहे हैं, हम ये सोच रहे हैं पहले इन लोगों को एक बार में ही डायरेक्ट स्टेशन की दर्शन करा दे। अच्छा तो ठीक है, चलते फिर इसे स्टार्ट कर देते हैं और क्या। तो चलते फिर। तो दोस्तों हम लोग पहुँच चुके हैं पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन, और आपको ये सब देखने को पहले ये दिखाते हैं। तो दोस्तों रुको, अभी स्टेशन पे जाने से बेकार है। तो स्टेशन पे जाने से पहले आपको मैंने सोचा कि हम पार्क में जो आए हैं तो पार्क के क्यों ना कुछ अच्छे आपको नज़ारे दिखा दे। कि आप देख सकते हो कितने अच्छे फूल यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, और हमारे ब्रदर भी अपने फूल के मज़े ले रहे हैं, है ना भैया? हाँ हाँ। और फूल में आपको कौन सा फूल पसंद है यहाँ पे? बस देख ही रहे हो, रेड येलो सभी, मतलब कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है ना। आप लोग बताओ कितना अच्छा व्यूज है ये। कमेंट करके आप भी बताना आपको ये फूल अच्छे लग रहे कि नहीं लग रहे। बाकी आपको जो हमारा वैष्णो देवी का ट्रिप का जो पार्ट होगा वो तो नेक्स्ट ब्लॉग में आपको मिलेगा। आपको हल्का सा झलक ही दिखाया था अभी कि हम स्टेशन में पहुँच गए। बाकी ये पूरा गार्डन के एंगल दिखा रहा हूँ मैं आपको कि इस पार्क में भी आप आके विजिट कीजिए, बहुत अच्छा पार्क है। यहाँ पे टहलो सुबह सुबह, रनिंग भी करने के लिए यहाँ बहुत से लोग आते हैं, आप भी आ सकते हो। यहाँ पे देखिए क्या हाल है। मैं सब बढ़िया भाई, मैंने इनको तो पूरा बता दिया अपने व्यूअर को कि इस पार्क में आप क्या क्या कर सकते हो। और पार्क के बैक साइड में आपको पीछे करके दिखा दूँ, अगर कैमरा पीछे करना पड़ेगा। ये चार बार बोलते हैं इस पार्क को। बाकी आपने कभी ना कभी आए होंगे तो बहुत फेमस है, इसके अंदर भी मस्जिदें हैं बहुत सारे, मतलब मकबरे हैं ना। हाँ मकबरे हैं, मकबरे हैं इसके अंदर दोस्तों, मकबरे आप देख सकते हो आके। बाकी शांति है, और ट्रेन तो हम लोग का शाम के 5 बजे का है। तो नेक्स्ट पार्ट में आपको हम वहाँ का दिखाएंगे वीडियो, क्योंकि हमने सोचा अभी इतनी क्या दिखाया आपको, थोड़ा सबर कीजिए क्योंकि अभी हम आप वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक एक चीज़। अगर बात करूँ ऐसे तो हम सब दोनों का साथ जो है ना लंबा चलने वाला है, और क्या? और ये सफर ऐसा होगा ना कि मुझे ऐसा लगता है कि याद रखोगे, क्योंकि हम लोग जो है ना, सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको यहाँ से, जैसे कि हमने अभी स्टार्ट किया, हम आपको स्टेशन लेके चलेंगे, यहाँ से जो स्टेशन पे जो होगा वहाँ का व्यू दिखाएंगे, वहाँ से लेकर फिर हम वैष्णो देवी जाएंगे। वैष्णो देवी देखो ट्रिप तो बहुत अच्छा लंबा होने वाला है। मैंने मान लो आप यहाँ से हम जाएंगे ओल्ड दिल्ली, हमारा रेलवे ओल्ड दिल्ली पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन से, वहाँ से हम अपना टिकट हमारा ऑलरेडी कन्फर्म है, कोई वेटिंग नहीं है। वहाँ से जम्मू तभी उतरना है हम लोगों को, जब जम्मू तभी उतरेंगे फिर वहाँ का भी नज़ारा, नहीं जम्मू तभी का नज़ारा दिखाएंगे ना इनको। हाँ जम्मू तभी का भी तो मस्त है ना, वहाँ भी हम लोग वहाँ भी रुकने वाले हैं एक दिन के लिए, आपके लिए जम्मू तभी में काहे को रुके हैं ना वहाँ पे। ना नहीं दोस्तों। अच्छा तो ठीक है, काम करते हैं वहाँ पे डिसाइड करेंगे, देखेंगे आप लोगों को वहीं पे बताएंगे। अगर वहाँ पे हम रुकेंगे तो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। बाकी अगर वैसे देखने के रुकने का सही वहाँ पे नहीं, एक काम करेंगे ना हम लोग, एक काम करते हैं इससे अच्छा, जैसे हम सुबह उतरेंगे जम्मू में तो करना है भाई, मान लो कि चलो 2-3 घंटे अपने पास टाइम रहने वाला है ना यार। तो देखो दोस्तों, तो हम लोगों ने ये प्लान किया है कि वहाँ पे रुक कर जो स्टेशन के जो आसपास के जो एरियाज होंगे ना, वो मतलब जो हम, ताकि अगर आप भी कभी आओ तो आपको भी मतलब ऐसा ना लगे कि यार मतलब फर्स्ट लगा पे आए, पहली बार आए, क्योंकि आपको भी सब पता रहेगा, हमारे वीडियो के जरिए ऑलरेडी एक्सपीरियंस रहेगा कि हमने किस तरह से यहाँ पे आ रखी है, और आपको भी पता रहेगा अगर आप नेक्स्ट टाइम अगर आप आओ तो, अगर आपको भी रुकने का जैसे प्लान हो, जैसे अभी हमारा प्लान मान लो कि सिर्फ वैष्णो देवी का, लेकिन जम्मू आ रहा है तो हम लोगों ने सोचा चलो आपको हम जम्मू का भी थोड़ा मतलब एक्सपीरियंस नज़ारा दिखा देंगे, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर आप लोग आओ तो आप लोग भी रुको, क्योंकि अगर आपको पता रहेगा, आइडिया रहेगा कौन सी चीज़ें कहाँ है नहीं है, तो उससे क्या होगा ना कि आपको बेनिफिट मिलने वाला है और साथ में हमें भी,
क्योंकि हमें भी तो एक्सपीरियंस मिलेगा ना आपके साथ साथ, और एक्सपीरियंस वहाँ के पहाड़ की तो व्यू और बहुत मजे आएंगे आपको पता है। जम्मू तवी से अगर आप रुकेंगे वहाँ पे जम्मू तवी, फिर वहाँ से हम बस पकड़ के सीधा कटरा जाएंगे, फिर कटरा से हमें पर्ची लेंगे जो बस स्टैंड है वहाँ पे जाके पर्ची लेंगे अपने को यात्रा की पर्ची, मजा आएगा वहाँ पे। वहाँ पे तो सब व्यू, वहाँ पे वहाँ के व्यू के नज़ारे आपको तो बहुत अच्छे अच्छे मिलने वाले, व्यू इसकी जो टेंशन खत्म ही कर दो कि व्यू के नज़ारे ना मिलेंगे अच्छे, बस आप लोग जुड़े रहो और हम आपको लेके चलते हैं। कटरा में नहाएंगे मैं सोच रहा हूँ, बाल गंगा में, बाल गंगा में अगर पानी रहेगा ना दोस्तों मैं 100% कहता हूँ वहाँ पे नहाएंगे, और फिर उसके बाद नहा के फिर उसके बाद ऊपर चढ़ाई करेंगे अर्धकुमारी तक, फिर अर्धकुमारी से उसी दिन हम कोशिश करेंगे कि वैष्णो देवी तक पहुंच जाए। और सबसे बड़ी बात प्लानिंग हमारा ये रहेगा कि 1 तारीख को चढ़ाई पूरी कर देनी है वैष्णो देवी। और सबसे बड़ी बात कि हम लोग का प्लानिंग ये भी है कि हम लोग चाहते हैं कि माता रानी के दरबार में रुके एक रात। हाँ, एक रात हम लोग फिर आते टाइम होगा तो क्या कहते हैं ये अर्धकुंवारी में भी रुकेंगे, मतलब हम लोग लंबा रुकने वाले हैं, मतलब यूँ समझ लो कि फुल इंटरटेनमेंट होने वाला है। और जर्नी पर सुनने में तो ये आया कि माता रानी के यहाँ पे हम कैमरा लेके जा नहीं सकते, पर आपको पहाड़ के नज़ारा हम जरूर वहाँ पे दिखाएंगे। देखिए ऐसा है कि मंदिर के बाहर के दर्शन तो आपको हम करा ही देंगे, नहीं, 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 अगर वहाँ पे हमें अनुमति मिलेगी तो अंदर कैमरा लेके जाएंगे, अगर नहीं मिल पाएगा तो उसके लिए सॉरी दोस्तों, पर हम कोशिश करेंगे कि अंदर ले जाने की कोशिश, हमारी कोशिश यही रही कि हम जितना से हो सके वीडियो का नज़ारा आपको दिखा सके, ऐसा बाकी कुछ यहाँ के आपको नज़ारा दिखाते हैं। बेलपत भी है वहाँ पे सामने, हमारे रूम से क्या पता है आपको ये 10 मिनट की दूरी पे ये पार्क आता है, और अच्छा व्यू आप देख सकते हो मेरे भाई आपको। अभी तो दोस्तों इस पार्क में आना कोई टिकट नहीं है, पर क्या पता गवर्नमेंट भविष्य में इसको टिकट वाला कर सकती है, क्योंकि अभी यहाँ पे काम चल रहा है। दिखा दो उधर काम चल रहा है, इधर से अगर नहीं देख पाओगे तो उधर काम चल रहा है। अभी आने वाले टाइम में ये हो सकता है कि कहीं इसको प्राइवेट ना कर दे, क्योंकि प्राइवेट कर देंगे फिर ऐसे जिस पार्क में अभी हम फ्री में घूम रहे हैं, आने वाले टाइम में इस पार्क में भी हमें पैसे दे के आना पड़ जाए। और क्योंकि ये इसका टाइल भी आप देख सकते हो, मतलब गजब का ये एरिया बना रखा है। और मंदिर तो हम जाने वाले हैं तो मंदिर के लिए हम आपको पूरा ब्लॉग दिखाएंगे कंटिन्यू, और कुछ आपको सिनेमैटिक दिखाते हैं और वीडियो को एंडिंग करेंगे सिनेमैटिक दिखा के, और यहाँ के नज़ारे देख लीजिए आप। तो दोस्तों आप सभी वीडियो में बने रहिए, आपको अच्छे अच्छे वीडियो देखने को मिलेंगे और आगे बढ़ मिल